हेलो दोस्तों, मैं संदीप, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, जिन्होंने जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के एग्जाम दिए थे उनकी, देखिए जो एग्जाम दिए गए थे दोस्तों उसकी क्या आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि मानक परीक्षण यानी शारीरिक मानक परीक्षण जो अभिलेखों की समीक्षा है दोस्तों, उसकी क्या है रिजल्ट आ चुका है, यानी आपकी कट ऑफ आ चुकी है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बता दें फटाफट, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो देखिए, ये देखते हैं विज्ञप्ति जारी हुई आज ही कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डन फायरमैन एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2016 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का आयोजन विषयक सूचना दोस्तों देखिए आज का ही है दोस्तों, ठीक है। ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए जेल वार्डन फायरमैन एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों को भरने के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गई सूचना विज्ञप्ति दोस्तों, ये देख सकते हैं दिनांक 29/1/2018 एवं सॉरी 29/11/2018 की ये विज्ञप्ति थी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कितनी कितनी मेरिट गई है दोस्तों और कितने कितने लोग कहाँ कहाँ पास हुए हैं दोस्तों, ठीक है। कितने कितने फॉर्म थे, ये सब चीजें आज हम बताने वाले हैं। देखिए आपको बता दें दोस्तों कि अनारक्षित की कितनी अनारक्षित दोस्तों कितने पद थे। देखिए आप जेल वार्डन में कितने पद थे जेल वार्डन के दोस्तों, 1507 पद थे ना टोटल। ये देखिए टोटल अगर देखते हैं किसके, तो जनरल के दोस्तों 1507 थे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, महिलाओं के 314 थे, ठीक है। फायरमैन में कितने थे दोस्तों, तो 1034 और ये आपके 51, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों, ठीक है, ये पद हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं टोटल कितना है, 3012 इसके, और इसके 626, और इसके कितने हैं 2065, और टोटल ये 102। अब देखिए कितने लोगों को बुलाया गया है, आपको बता दें जो लिखित परीक्षा आपकी संपन्न हुई थी दोस्तों, उसमें पाए गए सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मेरिट के आधार पर 2.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेखों एवं समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु तो बुलाया जा रहा है, ठीक है। कितने लोगों को, 2.5 गुना लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत रिक्तियों के सापेक्ष 5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु तो बुलाया जा रहा है, ठीक है। आपको बता दें कि जो है इसमें कहा गया है दोस्तों, ठीक है, तो बुलाया जा रहा है उन लोगों को। देखिए इनके बारे में हम बात करने वाले, पहले इसकी देखिए कट ऑफ कितनी गई, ठीक है। कट ऑफ देखते हैं कितनी गई है, तो देखिए जो आपको बता दें जर्नल की है, ठीक है, जर्नल की है दोस्तों, वो कितनी गई, 187, कितनी 187 दोस्तों गई है। तो आप देख सकते हैं हमने जो बताया था लगभग लगभग 94 नंबर गई है जर्नल की, ठीक है, 94 नंबर के आसपास। वही बात करते दोस्तों ओबीसी की, कितनी ओबीसी की दोस्तों, 180 नंबर के आसपास गई है, 179 नंबर है, ठीक है। ये चीज आप देखेंगे, देखिए स्वतंत्रता सेनानी की कितनी गई है जर्नल में, 95, और भूतपूर्व सैनिक की 89, होमगार्ड की 105 गई है। वहीं ओबीसी में दोस्तों लगभग लगभग 85 क्वेश्चन, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है, तो सॉरी आप देख सकते हैं कितनी, तो लगभग लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, 90 क्वेश्चन के आसपास गई है कितनी ओबीसी की दोस्तों, ठीक है। और देखिए स्वतंत्रता सेनानी की 52, और भूतपूर्व सैनिक की 55, और होमगार्ड की 94। वहीं अनुसूचित जाति की 155 गई है, ठीक है, 29 गई है स्वतंत्रता सेनानी की, और 36 गई है भूतपूर्व सैनिक की, और 75 होमगार्ड की गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति गई है 129, और 34 गई स्वतंत्रता सेनानी की, और 76 गई है दोस्तों भूतपूर्व सैनिक की। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसका हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे, क्या पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे, ठीक है। आप देखिए जो है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार जो आपको देखना कट ऑफ, तो आपको बता दें कि देखिए देखिए दे रखा है कि अनारक्षित की 166 दोस्तों, ठीक है, और 155 ओबीसी की, अनुसूचित जाति की 133 है, और 101 किसकी गई है अनुसूचित जनजाति की। और देखिए कितने शहरों में, देखिए उक्त तो अभ्यर्थियों को अभिलेखों एवं समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही हेतु आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी की रिजर्व पुलिस लाइन में संपन्न होगी। यानी इतने जिले दोस्तों मतलब कि शामिल किए गए हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जिले शामिल किए गए हैं, ठीक है। और आपको बता दें तो यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों, देखिए जनपद मेरठ के निवासी अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने कारण
पुलिस अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही जनपद बरेली के रिजर्व पुलिस लाइन में संपन्न होगी। महिला अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा दोस्तों मेरठ में ही होंगे, मतलब जो मेरठ के बच्चे हैं दोस्तों उनको बरेली आना पड़ेगा, और जो मेरठ की लड़कियां हैं दोस्तों उन्हें वहीं मेरठ में होम डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज्यादा जानकारी लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए सूची में अंकित अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र शीघ्र ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है, जिस पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डाल करके उसको आप चेक कर सकते हैं। और देखिए इसके लिए आपको हमारे चैनल में बने रहना, हम एक एक चीज आपको हमेशा बताते रहते हैं, सबसे पहले अपडेट लाते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये चीजें क्या है, अब देखिए आपको किस तरह से आप अपना नंबर चेक करना है तो आपको बता दें, दूसरी हम सूची आपको खोल लेना है। आप देखिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, उस पर हम डाले दे रहे हैं। ठीक, टेलीग्राम में क्या है, ज्ञान आरबीएल, जी ज्ञान आरबीएल लिख लेना जो चैनल नाम है, उसके आगे का ऑफिशियल लगा देना, ऑफिशियल लगाएंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उससे ज्वाइन कर लेना और उस पर ही पीडीएफ हम दोनों डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप नंबर सर्च करेंगे अपना नाम। अब देखिए ये है मेल की, क्या है ये मेल के दोस्तों, देखिए इस तरीके से आप दे रखा है कि टोटल कितने, देखिए अगर आपके पास आपने जेल वार्डन का फॉर्म डाला तो जेल वार्डन का रजिस्ट्रेशन नंबर इधर होगा और फायरमैन का रजिस्ट्रेशन नंबर ये होगा, दोनों डाले तो दोनों दिख जाएगा। आप सीधा यहां पर आपको सर्च करना कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको केवल और केवल यहां पर सर्च कर लेना है। ठीक है, यहां पर आप क्लिक करेंगे इसी बिंदु पर, इस पर आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। मान लिया आपका नाम है संजय, ठीक है, संजय कुछ भी नाम करके, संजय सिंह नाम करके मान लिया, तो देखिए संजय सिंह आपको डाल देना है, SINGH, ठीक है। तो देखिए अगर ज्यादा लोग होंगे उस नाम से तो फिर हो सकता है, देखिए मान लिया संजय सिंह कुशवाहा का देखते हैं हम, देखिए इनका जेल वार्डन, इन्होंने केवल एक ही फॉर्म डाला जेल वार्डन का, ठीक है। अब देखिए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, और ये देखिए इनका कहाँ बुलाया गया, वाराणसी में, ठीक है, कब है तो 16 मार्च 2021 को इनको बुलाया गया है DVPST के लिए, कब, 16 मार्च 2021 को दोस्तों। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए ये किसका है, पुरुष का है, तो इसमें आप देख सकते हैं कितने लोगों को बुलाया गया है पुरुष में दोस्तों, तो ये देखिए पूरा कितने 344 पेज के है, ठीक है, ये बुक कितने पूरी 344 पेज की है, तो आपको बताते दे, देखिए लास्ट कितना है, 14,429 लड़के बुलाए गए, कितने 14,429 बच्चे बुलाए गए हैं, लड़के बुलाए गए हैं। वहीं अगर हम लड़कियों की बात कर लें दोस्तों, देखिए आपको इसी तरह सर्च करना है, ये पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल डाल देंगे, आप परेशान मत होइएगा, वहीं से ले सकते हैं। अब देखिए लड़कियों के लिए, देखिए लड़कियों के लिए क्या है, देखिए फीमेल के लिए भी, ये देखिए आप देख सकते हैं कि फीमेल का भी दिया हुआ है दोस्तों, ये जेल वार्डन के हैं, तो फीमेल में अगर कुछ भी आपका नाम है दोस्तों तो आप यहाँ पर ही क्या करना, आप कहीं नहीं जाना, फालतू परेशान नहीं होना, इसी पर आपको क्लिक कर देना है और यहीं से आप अपना कोई भी नाम आप सर्च कर सकते हैं। मान लिया किसी का नाम सीमा है तो देखिए सीमा, सीमा दो बार इनका सीमा सीमा, ये भी नाम करेक्शन ही करवाना पड़ेगा, तो इनका मेरठ में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, या फिर आपका अगर रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप बिल्कुल अच्छे से वहीं पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जाकर के डालिएगा और बिल्कुल अच्छे से रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको अच्छे से चेक कर लेना है, और देखिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले प्रोवाइड करवा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, और चैनल पर बने रहें, थैंक यू।